दर्शकों नमस्कार। आमतौर पर दर्शकों हम ये बात के चलते हैं कि जो कटीले पौधे होते हैं वो सुंदर नहीं होते, आकर्षक नहीं होते, परंतु जो कैक्टस की दुनिया है जिसको कि हम कहते हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स, जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है, जो पौधे शुष्क जलवायु में जहां पानी की कमी होती है वहां पे ऐसे वातावरण में फलते फूलते हैं, उन पौधों के बारे में हम बात करेंगे। ये बेहद सुंदर पौधे होते हैं, जब इनमें फ्लावरिंग होती है, फूल आते हैं तो बेहद आकर्षक लगते हैं, मनमोहक लगते हैं। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं ऐसी चीज दिखाने के लिए, किस तरीके से हम जो कटीले पौधे हैं, कैक्टस है, उनको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे गोल्डन बैरल कैक्टस की, जो बच्चा है उसको कैसे अलग किया जाता है, हाउ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज डन इन कैक्टस, वो हम आपको दिखाएंगे। वेजिटेटिव तरीके से किस तरीके से एक कैक्टस से दो कैक्टस बनाए जा सकते हैं, ये हम आपको वीडियो के जरिए दिखाते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो पे, देखते रहिए हमारा ये वीडियो। जीरोफाइटिक प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है ऐसे पौधे जो मरुस्थलीय इलाकों में पाए जाते हैं, जो कि शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं, जहां बरसात कम होती है, तेज गर्मी पड़ती है, ऐसे जगह पर जो पाए जाते हैं उन पौधों को हम जीरोफाइट कहते हैं। इनमें आमतौर पर ये देखा गया है कि कम पानी में ये अपना गुजर बसर कर लेते हैं। और ये देखिए आप, और कुछ लोग इनको कैक्टस के नाम से भी जानते हैं। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है गोल्डन कैक्टस के बारे में, जिसको कि मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से गोल्डन कैक्टस, गोल्डन बैरल कैक्टस होता है और कैसे ये मल्टीप्लाई करता है, मदर प्लांट से कैसे बेबी प्लांट को अलग किया जाता है, वो सारी जानकारी हम देंगे आज। इसकी दुनिया में गोल्डन बैरल कैक्टस अपने आप में काफ़ी अहमियत रखता है। और देखिए आप किस तरीके का ये गोल्डन कैक्टस है, बैरल कैक्टस, जैसा कि इसका आकार है, आकार के हिसाब से ही इसका नामकरण हो जाता है। सुनहरे रंग का है और बैरल की तरह। और ये देखिए किस तरीके से इसका प्रोपोगेशन हो रहा है, ये हम देखेंगे। इसको पास से अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक नया बेबी कैक्टस आ गया है। और इसको हम कैसे अलग करते हैं देखिए आप, अब एक से दो पौधे बनाने हैं। और ये देखिए, ये मदर प्लांट और ये बेबी प्लांट। कैक्टस बहुत ही सुंदर आकर्षक जीरोफाइट नेचर का है, पानी की कम आवश्यकता होती है और इसी वजह से इस पर आप देखिए किस तरीके के कांटे हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है। और आप देखिए ये मदर प्लांट और इसके बगल में ये साइड में निकला हुआ मिट्टी को धीरे धीरे हटाया जा रहा है, और ताकि इस बेबी प्लांट को अलग किया जा सके। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये बेबी प्लांट हम अलग कर देंगे और एक नए पौधे के रूप में ये ग्रो करेगा। देख रहे हैं खुदाई करने के बाद में पास से मिट्टी निकाली गई और उसके बाद में हमने ये बेबी कैक्टस को अलग कर लिया है। और ये अब इंडिपेंडेंट तौर पे दूसरी जगह लगा दिया जाएगा और वहाँ पे ग्रो करेगा। मदर कैक्टस से ये बेबी कैक्टस, गोल्डन बैरल कैक्टस अलग हो चुका है। अब हम इसको दूसरी जगह स्थापित करेंगे पुनः। अब ये दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया गया है, लगा दिया गया है, मदर प्लांट से अलग हो गया है और कुछ दिनों में ये भी बड़ा बन जाएगा। इस तरीके से ये प्रोपोगेट करते हैं वेजिटेटिव तरीके से। आप देखिए मदर प्लांट और ये इसका बेबी प्लांट, प्लांट्स हैं, उनकी भी एक अपनी दुनिया है आप देख सकते हैं। और इनमें बाद में फ्लावरिंग भी होती है, फूल आते हैं जो अपने आप को आकर्षित करते हैं लोगों में इनके प्रति। ये फ्लावर्स आना चालू हो गया इसको। ये कैक्टस की प्रजाति है, आप देखिए किस तरीके से मदर प्लांट के ऊपर कितने बेबी आ गए हैं, बेबी प्लांट्स। और इनको अलग किया जा सकता है, आज हम इनको अलग करेंगे और दूसरी जगह लगाएंगे। ये एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। आप देखिए किस तरीके से बेबी तैयार हो गया है, ये अलग से बेबी है और ये मदर प्लांट पे बहुत सारे बेबीज हैं। इनको सबको बेबी कैक्टस को अलग करेंगे हम लोग मदर प्लांट से और एक इंडिपेंडेंट पौधे के रूप में ये ग्रो करेगा। प्रकृति के अंदर अद्भुत
रहस्य छुपे हुए हैं। और देखिए आप किस तरीके से ये मदर प्लांट पे बहुत सारे बेबी तैयार हो गए हैं। इन कैक्टस को हम अलग करेंगे और एक व्यक्तिगत पौधे के रूप में ग्रो करेगा मदर प्लांट। और मदर प्लांट से देखिए कितने सारे पौधे अब तैयार होंगे वेजिटेटिव तरीके से। बहुत सारे ये कैक्टस तैयार किए जाएंगे। ये एक अच्छी वैरायटी है, एक अच्छी प्रजाति है कैक्टस की, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वेजिटेटिव तरीके से। आप देखिए किस तरीके से हमने मदर प्लांट से इतने सारे पौधे तैयार किए।